नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इमामवाड़ा थाने के पास वारदात। हथियारों से लैस चार अपराधियों ने कल रात इमामवाड़ा थाने के पास मनपा के आइसोलेशन अस्पताल के पास खड़े सरकारी और निजी वाहनों को चकनाचूर कर दिया। यह सभी आरोपी आइसोलेशन अस्पताल के परिसर के रहने वाले हैं। आरोपियों में पूर्व पार्षद के बेटे के साथ चार आरोपी और हैं। इनमें मनीष चावरिया, विक्की ठाकुर, सनी चौहान और राजेश नकवाल हैं। इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शराब पीकर आइसोलेशन अस्पताल में हंगामा मचाने वाले इन अपराधियों की मानसिकता आखिर क्या हो सकेगी। अस्थायी जेल में अपराधी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से चिंतित नागपुर जेल प्रशासन भी हरकत में आ गया है। कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जेल इमारत परिसर के करीब ही एक अस्थायी जेल तैयार की गई है। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने कल इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। नागपुर में जहां जेल की क्षमता 1800 कैदियों की है, वहीं यहां 2400 कैदी अभी कैद है। अब तक करीब 150 कैदियों की रिहाई की गई है, मगर कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाने के बाद या लॉकडाउन के दौरान अन्य आरोपियों को जेल पहुंचाना आरंभ हो जाएगा। मगर ऐसे अपराधियों को जेल को सौंपने से पहले कोरोना की जांच की जाती है। रिपोर्ट आने में देर होने या पुराने कैदियों को उनके संपर्क में आने से रोकने के लिए अस्थायी जेल का निर्माण किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हैक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।